जैसे कि आज इसका एक वर्ड रिसोर्ट का बदशुमार हुआ है, तो जिस तरह से कहा जाए 200 किलोमीटर में ऐसा होटल कहीं नहीं है, तो आने वाले जो भी खरीदी करें जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ में आपने पूछा तो शिक्षा नगरी में अच्छा ब्रांड होटल मिला है, इस तरह की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होती है आपकी तरह से और किस तरह का सेवा मिलेगा? पर्सनल प्राइवेट रेस्टोरेंट भी है और आप लॉबी देख ही सकते हैं, हमारी हर एक चीज़ बहुत इंटीरियर से लेके हमारी जितनी भी यहाँ पे चेयर से लेके मिरर है, हम सब उस चीज़ को बहुत सुंदरता से हमने उसको सजाया ताकि कोई भी गेस्ट आए उसे उतनी ही वो चीज़ अच्छी लगे जितनी हमें एज ए घर की तरह ये लग रहा है। जैसे कि कुचामन में कहा जा रहा है नया ब्रांड है, ऐसा कभी कुचामन नहीं है, तो किस तरह से आप यहाँ के कस्टमर्स को यहाँ पे फॉलो करोगे आप, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और नई चीज़ है कुचामन के लिए? कुचामन के अंदर डेफिनेटली पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन कुचामन की भी नीड है आसपास के, जैसे हमने बताया 200 किलोमीटर एरिया है, 150 किलोमीटर एरिया है, तो उनकी भी एक नीड है कि वो भी एक लग्जरी फील करें। यहाँ जितने भी अभी प्रॉपर्टीज़ हैं वो छोटी नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यहाँ भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इस कदर प्रोजेक्ट, इस कदर जो ये खूबसूरती से जो उसका बैंक्वेट है, जो आपका गार्डन है जहाँ 5000 लोगों की शादी एक साथ हो सकती है, तो ये नीड थी यहाँ की, यहाँ के लोगों की भी नीड है कि उनको भी एक लग्जरी के साथ में, एक हाइजीन के साथ में एक अच्छा फूड उनको मिले जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, रूम के अंदर हर तरह की वो सुविधाएँ मिले जो एक अच्छे लग्जरी रिसोर्ट में होनी चाहिए, इसलिए जयपुर या अजमेर जाना पड़ता है। कोई अच्छी बैंक्वेट करनी है, अच्छी वेडिंग करनी है, तो उसके लिए उन्हें इधर उधर ही जाना पड़ता था, अब वो जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उनका उन्हीं के शहर के अंदर। अन्यसर की तर्ज पर यहाँ पे बड़ा होटल्स खुला है, जैसे पुष्कर है, जयपुर है, या बड़े जो बड़े सिटीज हैं उनकी एक आपको माने तो क्वालिटी के देखें कंपेरिजन में जो यहाँ क्या है जो अगर अपन लग्जरी रिसोर्ट्स के सेगमेंट में जाते हैं, लग्जरी रिसोर्ट्स के सेगमेंट में चाहे पुष्कर चले जाएँ या उदयपुर चले जाएँ या अजमेर चले जाएँ, आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल जाएंगी, उनसे 1 पॉइंट बेटर ही मिलेगी। केवल एक जो ब्रांड है, ब्रांड हमारा नया है, ये हमारे इस ब्रांड का पहला होटल है, और प्रोडक्ट्स भी हमारे पाइपलाइन में है, इस प्रोजेक्ट का भी विस्तार अभी पाइपलाइन में है, पीछे और कमरे भी इधर आने हैं, इधर और एक लॉन भी अभी आना है, वो बाद के पाइपलाइन के अंदर है, लेकिन अगर हम लग्जरी एमिनिटी वाइज, फैसिलिटी वाइज और जो भी सर्विसेज है उससे अगर हम बाकी के रिसोर्ट को कंपेयर करें जो अच्छे ब्रांड्स के होटल हैं, तो आपको फैसिलिटीज में बेटर ही मिलने वाली है। दूसरा, क्योंकि जो हमारे एमडी सर हैं वो भी यहीं से जुड़े हुए हैं, शहर से जुड़े हुए हैं, और उनकी भी बहुत पहचान है यहाँ पर, तो उनके भी ब्रांड को, उनके भी नाम को हमें आगे ही बढ़ाना है, उनका नाम इस रिसोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो भी उसी हिसाब से, क्योंकि उन्हीं को लोग जानते हैं, इनिशियली जो हमारे पास बुकिंग सभी आ रही है वो उन्हीं के एक नेम और फेम के साथ आ रही है, तो अगली बार जो बुकिंग आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ 5000 लोग अभी आ रहे हैं, 100 लोग अभी हमारे पास आ रहे हैं, तो 100 में से 1 तो होस्ट है, बाकी 99 गेस्ट है, तो वही लोग हमारे पास रिपीट होने वाले हैं। तो जो आपका सवाल था कि फैसिलिटी वाइज अगर हम कंपेयर करें, तो ब्रांड के साथ अगर हम चलते हैं जिनकी एक एसओपीज होती है, तो यहाँ आपको सर्विसेज बेहतर ही मिलेंगी अगर आप कंपेयर करें। जैसे कि आज इसका एक वर्ड रिजोर्ट का भव्य शुभारंभ है, तो हमने जब स्टाफ से बात की उन्होंने बताया कि एक जो से 200 किलोमीटर के दायरे में इस तरह की एक जरूरत थी, ये एक नेट थी, तो उनको ये अब पूरी कर रहे हैं। कुचामन में इस तरह का पहला होटल से जो खुला है, इसमें बेहतरीन सेवाएं और जिस तरह की जरूरत थी, काफ़ी ऐसे पैसे और लोग हैं जिनको इस तरह की जरूरत होती है, शादी हो या अन्य कोई भी फेस्टिवल हो, उनमें उनकी जो डिमांड होती है, इस तरह का होटल से खुला है, और जिस तरह से इन्होंने भरोसे दिलाए कि आने वाले सभी पर्यटक जो भी गेस्ट हैं उनको यहाँ पर बेहतरीन सुविधाएँ मिलेगी, तो यहाँ से जो एमडी सर है वो भी यही से निजी है, जिनका राजेंद्र चौधरी जिनका खुद का भी इतना गुडविल अच्छी है कि उनके कारण भी यहाँ का जो ये होटल्स काफ़ी पहले से लोकप्रिय हो चुका, और जिस तरह से आज औपचारिक जिसका शुभारंभ हुआ, हम कहेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में कुचामन भी एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में दर्शाने जाने लगे, के साथ ही यहाँ पर दूर दराज से जो पर्यटक आएंगे उनका भी यहाँ विमान सुविधा, जो यहाँ अपने राष्ट्र बुजुर्ग जैसे इधर बाड़मेर है, जैसलमेर है, दूर दराज के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अन्य स्टेट से जो भी लोग इधर उधर गुजरते हैं उनको भी एक बेहतरीन सेवा मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कुचामन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक रिसोर्ट खुला है, जिसका हर एक इंसान को एक बार यहाँ आके मौका मुआयना करना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए। डालो संदेश के लिए दिनेश तिवारी के साथ खास रिपोर्ट।